नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। सीतापुर संसदीय सीट पर राजेश वर्मा की हार और राकेश राठौर की जीत को आईना दिखाती एक रिपोर्ट आई इंडिया ने तैयार की है, जिसमें हम दिखाएंगे आपको कि किन नेताओं का बूथ जीता और किन नेताओं का बूथ हारा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूपी के सीतापुर में लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद समीक्षाओं का दौर जारी है। सभी पार्टियों के लोग अपने अपने तरीके से कयासबाजी में जुटे हैं कि किस सियासी दिग्गज का चुनाव में इस बार कैसा प्रभाव रहा है। इस बीच लोकसभा सीट सीतापुर की बूथवार समीक्षा के दौरान कुछ ऐसे बिंदु भी सामने आए हैं जो उन तमाम सियासी दिग्गजों के दावों पर सवाल खड़ा करते हैं जो चुनावी समर में उन्होंने अपने अपने प्रत्याशियों से किए थे। दरअसल इस लोकसभा चुनाव में यदि सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की चर्चा हो रही है तो यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की। जब आई इंडिया की टीम ने सीतापुर की विभिन्न विधानसभा सीटों की बूथवार इस बिंदु पर समीक्षा की कि किसका बूथ कितना मजबूत है, तो जो तस्वीर सामने आई उसमें देखने को मिला कि बीजेपी के निवर्तमान सांसद राजेश वर्मा ही अपना बूथ हार गए। ऐसा प्रदर्शन तब रहा जब सीतापुर में योगी सरकार के दो मंत्रियों सहित भाजपा के 8 विधायक हैं। तो चलिए आपको भी सीतापुर की विभिन्न विधानसभा सीटों की बूथवार राजनीतिक दलों की हार जीत की जानकारी से रूबरू कराते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं सीतापुर लोकसभा क्षेत्र की। सीतापुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा लगातार 2 बार से सांसद रहे। सांसदी गंवाने के साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में वह अपना बूथ भी हार गए। राजेश वर्मा ने अपना मतदान गृह क्षेत्र सरदार पटेल इंटर कॉलेज तंबौर बूथ संख्या 320 में किया। इस बूथ पर भाजपा 3 डिजिट तक भी नहीं पहुंच सकी और राजेश वर्मा को 93 वोट ही मिले, जबकि कांग्रेस 179 वोटों के साथ आगे रही। इस बूथ पर बसपा के महेंद्र यादव के पक्ष में केवल 2 वोट पड़े। अब बात करते हैं योगी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल कारागार राज्यमंत्री सुरेश राही की। सुरेश राही हरगांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। हरगांव विधानसभा धौरहरा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। हरगांव विधानसभा सीट से भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि सुरेश राही का आवास जेल रोड पर है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में अपना ऊंट प्राथमिक विद्यालय पुलिस लाइन कमरा नंबर 5 बूथ संख्या 263 पर डाला था। इस बूथ पर भाजपा कांग्रेस से दोगुने मत से भी ज्यादा जीतने में सफल रही। भाजपा को 276 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 110 और बसपा प्रत्याशी के हिस्से में 10 वोट आई। सीतापुर शहर के दुर्गापुरवा में रहने वाले राकेश राठौर गुरु सदर क्षेत्र से भाजपा विधायक हैं और योगी सरकार में नगर विकास राज्य मंत्री हैं। उन्होंने अपना वोट मोहल्ला दुर्गापुरवा बूथ संख्या 49 पर डाला था। यहाँ भाजपा और कांग्रेस सपा गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। भाजपा को 281 मत मिले, कांग्रेस को 233 और बसपा को 20 मत। इस बूथ पर भाजपा 48 वोटों से आगे रही। भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने हिमपुरवा सरस्वती विद्या मंदिर तरीनपुर बूथ संख्या 115 पर मतदान किया। उनके बूथ पर भाजपा ने अच्छी बढ़त हासिल की। यहां बीजेपी प्रत्याशी राजेश वर्मा को 310 वोट मिले, कांग्रेस को 54 एवं बसपा को 5 मत ही मिले। अब बात कर लेते हैं पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष अचिन मल्होत्रा के बूथ की। यहां पर भी भाजपा की बढ़त बनी रही। शहर के छोटा हिंदू कन्या विद्यालय बूथ संख्या 243 पर भाजपा को 325 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 69 और बसपा को 3 वोट मिले। इसी तरह भाजपा नेता व पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी के गौरी बाजार विद्या मंदिर रोटी गोदाम बूथ संख्या 206 पर भाजपा आगे रही। इस बूथ पर भाजपा को 232 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 141 एवं बसपा को 7 वोट मिले। कांग्रेस से पूर्व एमएलसी हरीश वाजपेयी अपने बूथ पर भी कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदाताओं का रुझान नहीं बना सके। नहर कॉलोनी बूथ संख्या 217 पर कांग्रेस सिर्फ 65 वोटों पर ही सिमट कर रह गई। इस बूथ पर भाजपा को 328 एवं बसपा को 6 वोट मिले।
पूर्व सदर विधायक राधेश्याम जायसवाल सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी को अपने बूथ आरकन्या इंटर कॉलेज बूथ संख्या 223 पर मजबूती नहीं दिला सके। कांग्रेस प्रत्याशी को केवल 47 वोट मिले। इस बूथ पर भाजपा 245 वोटों के साथ आगे रही, जबकि बसपा के पक्ष में केवल 2 वोट ही पड़े। चलिए अब जानते हैं सीतापुर लोकसभा क्षेत्र की बिसवा विधानसभा का हाल। बिसवा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के निर्मल वर्मा विधायक हैं। हालांकि उन्होंने अपना वोट लहरपुर इलाके के प्राथमिक विद्यालय न्यामूपुर बूथ संख्या 90 पर डाला था। यहां पर भाजपा कांग्रेस से पीछे रही। भाजपा को 216 जबकि कांग्रेस को 365 वोट मिले। इस बूथ पर बसपा के पक्ष में केवल 7 वोट ही पड़े। अब बात करते हैं बसपा के पूर्व भाजपा विधायक अजीत मल्होत्रा के बूथ की। अजीत मल्होत्रा ने अपना वोट कृपा दयाल म्युनिसिपल इंटर कॉलेज बिसवा बूथ संख्या 203 पर डाला। यहां पर भाजपा ने 265 सीटें हासिल कर बढ़त बनाई, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 105 और बसपा के हिस्से में 20 वोट ही पड़े। पूर्व एमएलसी राकेश सिंह अपने बूथ पर बढ़त दिलाने में सफल रहे। ग्राम पंचायत मझगवा कला बूथ संख्या 166 पर भाजपा ने 199 वोट हासिल कर आगे रही, जबकि कांग्रेस को 137 और बसपा को 72 वोट मिले। पूर्व एमएलसी रामगोपाल मिश्र अपने बूथ पर भी कांग्रेस को बढ़त नहीं दिला सके। पूर्व माध्यमिक विद्यालय रूढ़ा छरासी बूथ संख्या 367 पर कांग्रेस को 124 मत मिले। इस बूथ पर भाजपा 199 वोटों के साथ आगे रही, जबकि बसपा को केवल 9 वोट ही मिले। अब बात करते हैं लहरपुर विधानसभा क्षेत्र की। लहरपुर से भाजपा के पूर्व विधायक सुनील वर्मा के बूथ पर भाजपा की बढ़त कायम रही। पंचायत घर घूरे पारा बूथ संख्या 2002 भाजपा को 324 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 121 और बसपा को 26 वोट ही मिले। इसी के साथ भाजपा ने इस बूथ पर अपनी बढ़त बनाई। लहरपुर से सपा विधायक अनिल वर्मा अपने बूथ प्राथमिक विद्यालय खैरुल्लापुर कमरा नंबर 2 बूथ संख्या 2 पर सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी को मजबूत करने में सफल रहे। इस बूथ पर राकेश राठौर ने 243 वोटों के साथ अच्छी बढ़त बनाई। यहां पर भाजपा को सिर्फ 59 एवं बसपा को 11 वोट ही मिले। सपा एमएलसी जासमीर अंसारी और पूर्व सांसद कैसर झा ने कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय टांडा सलार में के बूथ संख्या 16 पर मतदान किया। इस बूथ पर कांग्रेस को बम्पर वोट मिले। यहां कांग्रेस ने 383 वोट हासिल किए और भाजपा ने सिर्फ 14 तथा बसपा ने केवल 1 मत हासिल किया। बसपा जिला अध्यक्ष विकास राजवंशी अपना बूथ जिताने में भी सफल नहीं रहे। लहरपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बड़ा ताल भेलावा बूथ संख्या 176 पर बसपा को सिर्फ 25 वोट मिले। यहां पर कांग्रेस 356 मतों के साथ आगे रही और भाजपा ने 101 वोट ही हासिल किए। अब बात करते हैं भाजपा से सिवता विधायक ज्ञान तिवारी के क्षेत्र की। विधायक ज्ञान तिवारी ने अपना वोट त्रिभुवन दत्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रेउसा बूथ संख्या 124 पर डाला। यहां भाजपा 443 वोट हासिल करते हुए आगे रही, जबकि कांग्रेस को 239 एवं बसपा को 32 वोट ही मिले। सेवता इलाके के रहने वाले जूट संघ के अध्यक्ष चंद कुमार मिश्र बापू ने प्राथमिक विद्यालय कनकारी बूथ संख्या 33 पर वोट डाला। इस बूथ पर भी भाजपा को 269 वोटों के साथ बढ़त मिली, जबकि कांग्रेस को 224 और बसपा को 67 वोट ही मिले। जिला पंचायत अध्यक्ष सिद्धा सागर के बूथ त्रिभुवन दत्त हायर सेकेंडरी स्कूल रेउसा बूथ संख्या 124 पर भाजपा मजबूत स्थिति में रही। इस बूथ पर बीजेपी को 443 वोट मिले। यहां पर कांग्रेस के पक्ष में 239 और बसपा को 32 वोट ही मिले। सेवता से पूर्व विधायक महेंद्र कुमार सिंह झीन बाबू अपने बूथ कंपोजिट विद्यालय सुपौली बूथ संख्या 27 पर सपा कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में 509 वोट दिलाने में सफल रहे। इस बूथ पर भाजपा को 100 एवं बसपा को 50 वोट ही मिले। कांग्रेस जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी के ग्राम बसंतापुर बूथ संख्या 85 पर
कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर हुई। हालांकि कांग्रेस भाजपा से 43 मतों से आगे रही। इस बूथ पर कांग्रेस को 343 वोट मिले, यहां पर भाजपा को 300 और बसपा को 74 वोट मिले। अब बात करते हैं महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र की। यहां से भाजपा विधायक आशा मौर्य ने अपना वोट तो लखनऊ के सेंट जोसेफ स्कूल में डाला, लेकिन कुर्सी विधायक और महमूदाबाद निवासी साकेत प्रताप वर्मा अपने बूथ पर भाजपा को बढ़त दिलाने में सफल रहे। ब्लॉक ऑफिस महमूदाबाद की बूथ संख्या 166 पर भाजपा को 380 मत मिले, जबकि कांग्रेस को 244 एवं बसपा को 5 वोट मिले। पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री एवं भाजपा नेता डॉक्टर अंबार रिजवी के वार्ड संगत कॉल्विन इंटर कॉलेज महमूदाबाद बूथ संख्या 132 पर कांग्रेस ने भाजपा से बढ़त बनाई। इस बूथ पर कांग्रेस को 496 वोट मिले, जबकि भाजपा को 102 और बसपा को 9 वोट मिले। पूर्व मंत्री एवं सपा नेता नरेंद्र सिंह वर्मा अपने बूथ पर कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने में सफल रहे। पैतृक गांव पोखरा कला बूथ संख्या 316 पर कांग्रेस को 346, भाजपा को 99 एवं बसपा को 25 वोट मिले। अब बात करते हैं विधानसभा क्षेत्र मोहली की। मोहली धौरहरा लोकसभा सीट का हिस्सा है। धौरहरा से दो बार की सांसद रही रेखा वर्मा फिर से मैदान में थी। इस बार हुआ हैट्रिक लगाने से चूक गईं। उन्हें सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी आनंद भदौरिया ने पराजित किया। मोहली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के शशांक त्रिवेदी विधायक हैं। उन्होंने अपना वोट पैतृक गांव ब्रह्मावली बूथ संख्या 407 पर डाला था। यहां भाजपा को 302 वोटों के साथ अच्छी बढ़त मिली। इस बूथ पर सपा और बसपा 3 डिजिट तक भी नहीं पहुंच सकी और सपा को केवल 89 और बसपा को 52 वोट ही मिले। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष छतपाल सिंह यादव का निवास मोहली विधानसभा क्षेत्र के हरनी कला में है। सपा जिला अध्यक्ष ने अपना वोट हरनी कला बूथ संख्या 314 पर डाला था। यहां वह सपा प्रत्याशी को 380 वोट दिलाने में सफल रहे। इस बूथ पर भाजपा को 159 एवं बसपा को 19 वोट मिले। अब बात कर लेते हैं मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र मिश्रिक की। मिश्रिक से भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव अपने बूथ ग्राम मधवापुर उच्चतर प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट मधवापुर बूथ संख्या 123 पर तो अशोक रावत को बढ़त दिला सके, लेकिन विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। इस बूथ पर भाजपा ने 516 मतों से बढ़त बनाई, जबकि सपा को 228 एवं बसपा को 36 वोट मिले। मिश्रिक क्षेत्र के ग्राम पंचायत कुंदौली बूथ संख्या 64 पर भाजपा बुरी तरह हारी। यहां मंत्री रामपाल राजवंशी सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी संगीता राजवंशी को 582 वोट दिलाने में सफल रहे। इस बूथ पर भाजपा को 91 एवं बसपा को 10 वोट मिले। मिश्रिक इलाके के प्राथमिक विद्यालय मनिकापुर बूथ संख्या 386 पर पूर्व विधायक अनूप गुप्ता सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी को 400 वोट दिलाने में सफल रहे। भाजपा को यहां भी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के हिस्से में सिर्फ 182 वोट आए और बसपा को यहां 87 वोट ही मिले। अब बात कर लेते हैं मोहनलालगंज लोकसभा सीट की, विधानसभा क्षेत्र सिधौली की। सिधौली से मनीष रावत भाजपा विधायक हैं। उन्होंने गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज बूथ संख्या 185 पर मतदान किया था। इस बूथ पर भाजपा और सपा का कड़ा मुकाबला हुआ। भाजपा सिर्फ 39 वोटों से आगे रही। बीजेपी को 248, सपा को 209 और बसपा को 4 वोट मिले। कुल मिलाकर मनीष रावत अपना बूथ जिताने में सफल रहे। पूर्व मंत्री और 7 बार विधायक रहे श्यामलाल रावत सपा कांग्रेस पार्टी में रहे हैं। उन्होंने अपना वोट उच्च माध्यमिक नेहरू विद्यालय सिधौली बूथ संख्या 197 पर डाला था। इस बूथ पर भाजपा 337 वोटों के साथ आगे रही। यहां पर सपा के पक्ष में 110 वोट और बसपा को 9 वोट मिले। पूर्व विधायक डॉक्टर हरगोविंद भार्गव मौजूदा समय सपा में हैं। वह अपने बूथ प्राथमिक विद्यालय सिंहपुर बूथ संख्या 96 पर सपा को 379 वोट दिलाने में सफल तो जरूर रहे, लेकिन इस बूथ पर बसपा को भाजपा से ज्यादा वोट मिले। यहां पर बसपा को 200
42 जबकि भाजपा को 205 वोट मिले। हरगांव से पूर्व विधायक रमेश राही भाजपा विधायक कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही के बड़े भाई हैं। रमेश राही ने अपना वोट प्राथमिक विद्यालय ढकेरा बूथ संख्या 287 पर डाला था। इस बूथ पर भाजपा को 449, सपा को 78 और बसपा को 50 वोट मिले। बात अगर सीतापुर के ब्लॉक प्रमुखों की करें तो 19 ब्लॉकों में से महमूदाबाद और पहला छोड़कर सभी 17 ब्लॉकों में भाजपा के ब्लॉक प्रमुख हैं। ब्लॉक प्रमुखों का बूथ कितना मजबूत रहा, आइए इसे भी जान लेते हैं। मिश्रित से भाजपा ब्लॉक प्रमुख राम किंकर पांडे ने प्राथमिक विद्यालय मनिकापुर बूथ संख्या 386 पर वोट डाला था। वह अपने बूथ पर सपा के मुकाबले आधे वोट भी भाजपा को नहीं दिला पाए। सपा को 400, भाजपा को 182 और बसपा को 87 वोट मिले। सिधौली से भाजपा ब्लॉक प्रमुख राम बख्श रावत अपने बूथ प्राथमिक विद्यालय अटरिया बूथ संख्या 358 पर भाजपा को बढ़त तो दिला सके लेकिन सपा के मुकाबले 48 मत ही अधिक दिला पाए। इस बूथ पर भाजपा को 421, सपा को 373 एवं बसपा को 49 वोट मिले। एलिया से भाजपा ब्लॉक प्रमुख रीता सिंह अपने बूथ हथूरी बूथ संख्या 5 पर भाजपा प्रत्याशी को मजबूती नहीं दिला सकी। इस बूथ पर भाजपा को 166 मत मिले जबकि सपा के पक्ष में 269 और बसपा के पक्ष में 94 मत पड़े। रामपुर मथुरा से भाजपा ब्लॉक प्रमुख तारा देवी भाजपा प्रत्याशी को अपने बूथ प्राथमिक विद्यालय डफरा बूथ संख्या 348 पर 356 वोटों के साथ जीत दिलाने में सफल रही। इस बूथ पर कांग्रेस को 151 एवं बसपा को 72 वोट मिले। मछरेटा से भाजपा ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश कुमारी अपने बूथ उच्चतर प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय मधवापुर बूथ संख्या 143 पर भाजपा को 516 वोट दिलाने में सफल रही। इस बूथ पर सपा को 228 और बसपा को सिर्फ 36 वोट ही मिले। परसेंडी से भाजपा प्रमुख राजेंद्र राजवंशी अपने बूथ इलाही बक्स इंटर कॉलेज इटौरी कमरा नंबर 1 बूथ संख्या 216 पर भाजपा को जीत नहीं दिला पाए। यहां पर कांग्रेस के 319 वोटों के मुकाबले भाजपा को 263 वोट ही मिले जबकि बसपा को सिर्फ 9 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। बेहटा से भाजपा ब्लॉक प्रमुख कल्पना वर्मा के बूथ उच्चतर प्राथमिक विद्यालय बिस्वा खुद कमरा नंबर 2 बूथ संख्या 306 पर 418 मतों के साथ भाजपा को जीत मिली। यहां पर कांग्रेस को 132 वोट और बसपा को 73 वोट मिले। हरगांव से भाजपा ब्लॉक प्रमुख राम देवी और प्रमुख प्रतिनिधि व भाजपा नेता कमलेश वर्मा अपने बूथ प्राथमिक विद्यालय अमतिया बूथ संख्या 297 पर भाजपा को जीत नहीं दिला सके। इस बूथ पर सपा 368 वोटों के साथ आगे रही। भाजपा को यहां पर 204 और बसपा को 21 वोट ही मिले। गुंदला मऊ से भाजपा ब्लॉक प्रमुख नमिता अवस्थी के बूथ जूनियर हाई स्कूल कमरा नंबर 1 औरंगाबाद बूथ संख्या 194 पर भी भाजपा हार गई। यहां सपा को 227 वोट मिले जबकि भाजपा के पक्ष में 204 और बसपा को केवल 3 मत ही मिले। कसमंडा से भाजपा ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी के बूथ कंपोजिट विद्यालय कोकना मऊ बूथ संख्या 33 पर भाजपा को 339 मतों के साथ बढ़त मिली। इस बूथ पर सपा को 182 एवं बसपा को 83 मत ही मिले। सकरन से भाजपा ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश कुमारी के बूथ प्राथमिक विद्यालय राजापुर बूथ संख्या 312 पर भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। यहां पर कांग्रेस ने 294 मतों के साथ बढ़त हासिल की। इस बूथ पर भाजपा को 180 एवं बसपा को 39 वोट ही मिले। बिस्वा से भाजपा प्रमुख शांति यादव के बूथ सेमरी बूथ संख्या 251 पर भाजपा बुरी तरह हार गई। इस बूथ पर भाजपा को केवल 190 वोट ही मिले जिसके मुकाबले कांग्रेस के पक्ष में 448 वोट और बसपा को 36 वोट ही मिले। पिसावा से भाजपा ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश यादव अपने बूथ प्राथमिक विद्यालय खाजा कुआं बूथ संख्या 313 पर भाजपा को जीत तो दिला सके लेकिन सिर्फ 17 वोटों से। भाजपा को 304,
सपा को 287 और बसपा को 23 वोट मिले। लहरपुर से भाजपा ब्लॉक प्रमुख उमा शंकर वर्मा के बूथ पंचायत घर घूरे पारा मानपुर कमरा नंबर 1 बूथ संख्या 201 पर भाजपा 250 मतों के साथ बढ़त बनाने में कामयाब रही। यहां पर कांग्रेस को 127 वोट और बसपा को 30 वोट मिले। महोली से भाजपा ब्लॉक प्रमुख जगदीश पासी भाजपा को अपना बूथ भी नहीं जिता पाए। ग्राम सीलापुर बूथ संख्या 402 पर भाजपा को 185 मतों से संतोष करना पड़ा। सपा ने यहां 209 मतों के साथ बढ़त बनाई और बसपा के खाते में केवल 39 वोट ही आए। रेउसा से भाजपा ब्लॉक प्रमुख मंजू चौहान के बूथ प्राथमिक विद्यालय मानपुर कोंडार बूथ संख्या 224 पर बसपा ने जीत दर्ज की। इस बूथ पर बसपा को 187 मत मिले जबकि भाजपा को 144 मिले और कांग्रेस के पक्ष में 103 वोट पड़े। खैराबाद से भाजपा ब्लॉक प्रमुख अजय विश्वकर्मा के बूथ प्राथमिक विद्यालय नेपालापुर बूथ संख्या 293 पर भाजपा 274 मतों के साथ आगे रही। इस बूथ पर कांग्रेस को 125 और बसपा को 13 वोट ही मिले। महमूदाबाद से सपा ब्लॉक प्रमुख मुकेश वर्मा अपने बूथ ग्राम सचिवालय जयरामपुर बूथ संख्या 239 पर कांग्रेस प्रत्याशी को बढ़त दिलाने में सफल रहे। इस बूथ पर कांग्रेस को 316 मत मिले। कांग्रेस के मुकाबले भाजपा को 278 और बसपा को सिर्फ 12 वोट मिले। पहला से सपा ब्लॉक प्रमुख रावेंद्र यादव उर्फ अजय यादव के बूथ बेहटी मानसाह बूथ संख्या 104 पर कांग्रेस 345 वोटों के साथ आगे रही। इस बूथ पर भाजपा को 160 वोट और बसपा को 55 मत ही मिले। अब बात कर लेते हैं नगर पालिका और नगर पंचायत के चेयरमैनों की। सीतापुर की 11 नगर निकायों में से 6 नगर पालिका और 5 नगर पंचायत हैं। नगर पालिका परिषद सीतापुर से भाजपा की चेयरमैन नेहा अवस्थी के बूथ नहर कॉलोनी बूथ संख्या 218 पर भाजपा ने अच्छी बढ़त बनाई। इस बूथ पर भाजपा को 295 वोट मिले जबकि कांग्रेस के खाते में 61 और बसपा के पक्ष में सिर्फ 3 वोट ही पड़े। नगर पालिका परिषद खैराबाद की चेयरमैन बेबी अभिषेक गुप्ता के बूथ प्राथमिक विद्यालय मियाँ सराय पश्चिम कमरा नंबर 2 बूथ संख्या 351 पर भाजपा बुरी तरह हार गई। इस बूथ पर भाजपा को सिर्फ 68 वोट मिले। कांग्रेस ने 372 मतों के साथ यहां बढ़त बनाई। बसपा प्रत्याशी को भी 52 मत मिले। नगर पालिका परिषद मिश्रिक की भाजपा चेयरमैन मुन्नी देवी अपने बूथ महर्षि दधीच इंटर कॉलेज मिश्रिक बूथ संख्या 347 पर भाजपा को 300 मत दिलाने में सफल नहीं। इस बूथ पर सपा कांग्रेस की बुरी हार हुई। सपा कांग्रेस को 74 एवं बसपा को केवल 1 वोट ही मिला। नगर पालिका परिषद महमूदाबाद से सपा चेयरमैन मोहम्मद अहमद अपने बूथ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज महमूदाबाद बूथ संख्या 139 पर कांग्रेस प्रत्याशी को भाजपा के मुकाबले सिर्फ 4 मत ही अधिक दिला सके। इस बूथ पर कांग्रेस को 110 भाजपा को 106 और बसपा को 1 भी वोट नहीं मिला। नगर पालिका परिषद लहरपुर से भाजपा समर्थित चेयरमैन हाजी जावेद अहमद के बूथ पर नगर पालिका कार्यालय लहरपुर कमरा नंबर 1 बूथ संख्या 33 पर भाजपा को करारी हार मिली। इस बूथ पर भाजपा को 44 वोट मिले और कांग्रेस 444 मतों के साथ आगे रही। बसपा प्रत्याशी के पक्ष में यहां पर केवल 4 मत ही पड़े। नगर पालिका परिषद बिस्वा के चेयरमैन पुष्पू जायसवाल निर्दलीय जीते थे। पुष्पू जायसवाल के हनुमत रामेश्वर दयाल इंटर कॉलेज बूथ संख्या 179 पर भाजपा को 371 वोटों के साथ आगे रही। इस बूथ पर कांग्रेस को 112 और बसपा को 23 वोट ही मिले। नगर पंचायत सिधौली से भाजपा चेयरमैन गंगाराम राजपूत के बूथ प्राथमिक विद्यालय सिधौली बूथ संख्या 201 पर भाजपा ने 333 मतों के साथ सपा के मुकाबले 89 मतों से बढ़त बनाई। इस बूथ पर सपा को 244 बसपा को 17 वोट मिले। नगर पंचायत हरगांव के भाजपा चेयरमैन गफ्फार खान प्राथमिक विद्यालय हरगांव प्रथम कमरा नंबर 1 बूथ संख्या 64 पर भाजपा को 328 मतों के साथ बढ़त दिलवाने में सफल रहे। इस बूथ पर सपा को
231 एवं बसपा को 25 वोट मिले। नगर पंचायत पैंतेपुर से चेयरमैन जैनब जहां को भाजपा ने सिंबल दिया था, लेकिन उन्होंने चुनाव निर्दलीय लड़ा था। लोकसभा चुनाव के दौरान अपने पत उरूज आलम की बीमारी के चलते ज्यादातर लखनऊ में रही। उनके बूथ प्राथमिक विद्यालय पैंतेपुर बूथ संख्या 181 पर कांग्रेस 522 मतों के साथ बढ़त बना पाने में सफल रही। इस बूथ पर भाजपा की करारी हार हुई। बीजेपी को 102 एवं बसपा को 25 वोट मिले। नगर पंचायत महोली से सपा चेयरमैन केतुका अपने बूथ जूनियर हाई स्कूल महोली बूथ संख्या 421 पर सपा प्रत्याशी को बढ़त नहीं दिला पाई। इस बूथ पर सपा को केवल 191 वोट मिले, भाजपा प्रत्याशी को 453 और बसपा को 21 वोट हासिल हुए। नगर पंचायत तंबौर से चेयरमैन तैयबुन निशा राजद से के सिंबल पर चुनाव जीती थी। चेयरमैन तैयबुन निशा का वोट प्राथमिक विद्यालय तंबौर बूथ संख्या 327 पर पड़ा था। इस बूथ पर कांग्रेस को 516 वोट, भाजपा को 74 और बसपा को 3 वोट मिले। बताते चलें कि भाजपा ने अपने प्रत्याशियों को फिर से लोकसभा पहुंचाने के लिए मेरा बूथ सबसे मजबूत नाम से अभियान चलाया था। इस अभियान का मकसद भाजपा को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने के साथ ही प्रत्याशियों को जीत दिलाना था। इसके लिए भाजपा के पदाधिकारियों सहित मंत्रियों और नेताओं ने कई बैठकें भी की, लेकिन अंततः कामयाबी नहीं मिली। पहली बार सीतापुर अंतर्गत आने वाली 4 लोकसभा सीटों में से भाजपा सिर्फ मिश्रिक की सीट बचा पाई। यहां से अशोक रावत जीतने में सफल रहे। बाकी धौरारा से भाजपा की सांसद रही रेखा अरुण वर्मा चुनाव हार गईं। सीतापुर से सांसद रहे राजेश वर्मा चुनाव हार गए। मोहनलालगंज से सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे कौशल किशोर चुनाव हार गए। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा विधायक 9 विधानसभा क्षेत्र लगते हैं। 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, 3 MLC भारतीय जनता पार्टी के, और मौजूदा सभी सांसद रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। 19 ब्लॉक प्रमुख सीतापुर में हैं, 17 ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के हैं, चेयरमैन भी काफ़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के हैं। फिर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव सीतापुर की 4 सीटों में से 3 सीटों पर हार गई। ये अपने आप में चिंता की बात है और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चिंतन और मंथन करने की ज़रूरत है कि आखिर जो भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती थी कि हर चुनाव में उसके ही लोग जीत रहे हैं, तो जब उसके सारे जनप्रतिनिधि बन रहे थे तो फिर ये बड़े जनप्रतिनिधि चुनाव क्यों हार गए? यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। यदि नीचे वो चुनाव निष्पक्षता से हुए होते तो शायद आज इतना विरोध बड़े जनप्रतिनिधियों के साथ न खड़ा हुआ होता। सभी जानते हैं कि कोऑपरेटिव के चुनाव हों या नगर निकाय के चुनाव हों या ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हों या पंचायत के चुनाव हों, उनमें किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में थी उसने किस प्रकार दबंगई की, मनमानी की, उसका परिणाम आज जब जनता द्वारा चुनाव हुआ, निष्पक्षता से हुआ, पारदर्शिता से हुआ, तो परिणाम सामने आ गए। फिलहाल ये खबर कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर इस पर कमेंट करिएगा। और हाँ, जो लोग आज जीते हैं या जो लोग हार गए हैं उनके लिए भी एक बड़ा संदेश है। जो लोग जीत गए हैं वो सबक लें इन हारने वालों से, और जो लोग हार गए हैं चुनाव उनके लिए आगे आने वाला समय उज्जवल हो सकता है, अच्छा भविष्य बन सकता है, बशर्ते जो जिम्मेदारियां हैं उसका बखूबी से निर्वहन करें। और सत्ता पक्ष के लोगों के लिए भी बड़ा संदेश है कि वो सत्ता का दुरुपयोग कतई न करें, क्योंकि एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब जनता लोकतंत्र का जब पर्व मनाती है उस दौरान जनता आपको ऐसे ही सबक भी सिखा देती है। तो फिलहाल आप इस पर ज़रूर गौर फरमाएंगे, और ख़ासकर वो लोग जो चुनाव हार गए हैं, क्योंकि उनके लिए एक और भी बड़ी बात ये है कि ये आंकड़े बताते हैं कि किस तरह उनके लिए काम हुआ है,
किस तरह उनके लिए भीतरघात हुआ है ये फिलहाल पहचान लें। जब वो पावर में होते हैं तो ऐसे लोग उनके आसपास आ जाते हैं, उससे फिर आम जनों को कितनी दिक्कत होती है जो उनके खास होते हैं। ये चुनाव ज़्यादातर जो जनप्रतिनिधि बन जाते हैं उनके खासों की वजह से चुनाव का बड़ा असर पड़ता है। वो मनमानी करते हैं क्षेत्र में, अपने हिसाब से काम करवाते हैं, आप भी उन्हीं की सुनते हैं, इसलिए ये सुनना बंद कर दें। जनता वोट देती है, उनकी बात सुने, उनको प्राथमिकता दें, और नहीं तो बीच वाले लोग ऐसे ही गड़बड़ करेंगे और ऐसे ही परिणाम भुगतने के लिए सभी लोग तैयार रहें। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।